वी मेट एट अ कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। वैसे तो हम एक दूसरे को जानते थे क्लास 11 से ही, एंड वी वर एक्वेंटेंसेस देन। हमको जब वी मेट आफ्टर 8 लॉन्ग ईयर्स अगेन, एंड देन वी हिट इट ऑफ। एक दूसरे को पसंद करते थे एंड थिंग्स स्टार्टेड टू गेट सीरियस। देन हमने अपने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा है। वी स्टार्टेड आवर पेरेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग एंड दे रियली लाइक बोथ ऑफ अस। एंड इट्स नॉट अ फेरी टेल स्टोरी, बट इट्स सिंपल येट वेरी ब्यूटिफुल। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते खामोश सी है जमी हैरान सा फलक है एक नूर ही नूर साब आसमां तलक है नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजा। पहले हम 11th क्लास में कोचिंग जाते थे, सेम कोचिंग थी हमारी फिजिक्स की, बट वो बहुत ही ज़्यादा वनवी था तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड वो मेरी किसी किसी बात में मेरी बहन से चुगली भी करता था, आई यूज़ टू हेट हिम। फिर उसके बाद वो कहीं बाहर चला गया एंड मैं यहाँ पे थी, वी वर इन नो टच। उसके बाद अराउंड 1 साल पहले हम मिले किसी एक फ्रेंड की पार्टी में, कॉमन पार्टी में। तब हम शायद 8 साल बाद वापस एक दूसरे से मिले, देन हमारी बात होनी स्टार्ट हुई ग्रेजुअली, देन अच्छा लगने लगा बात करना। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते खामोश सी है जमी हैरान सा फलक है एक नूर ही नूर साब आसमां तलक है हमारी सबसे ज़्यादा मेमोरी इसी चीज़ की कि हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती थी ना, इतनी लड़ाइयाँ कि सारे फ्रेंड्स को लगता कि इन लोग लड़ते हैं कि करते क्या, मतलब हर दिन लड़ते थे हम लोग। सबको लगता था पता नहीं ये लोग क्या करेंगे कैसे रहेंगे, बट नाउ फाइनली आज हमारी शादी हो रही है विच इज़ ऑब्वियसली वेरी गुड। चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया मेरे रश के कमर मेरे रश के कमर पूरा प्यारी नजर जब नजर से मिलाई लगा आ गया जोश ही जोश में मेरी आवोश में आके तू जो समाई
मेमोरीज नहीं है बट दोज आर समथिंग जो याद रह जाती हैं. जैसे वो कभी सुबह के 7 बजे फ़ोन करके शी यूज़ टू गेट अपसेट एंड एवरीथिंग. तो हम 7:30 बजे सुबह ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं. मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब भी टेंशन में होती हूँ मेरी सुबह नींद बहुत जल्दी उठ जाती है एंड फिर मैं फ़ोन लगाती हूँ कि यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्या करना है क्या करना है क्या करना है. फिर वो मेरी टेंशन सॉल्व करने के लिए बोलता है कि अच्छा चलो ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं तुम्हारे क्या इशूज़ हैं. तो फिर हम ब्रेकफास्ट पर जाते हैं, फिर वो मेरे प्रॉब्लम सुनता था, फिर सॉल्व करने की कोशिश करता था. एक दो चीज़ें नहीं है, वो बहुत कुछ बहुत बार स्पेशल कर चुका है मेरे लिए. एक चीज़ जो मुझे याद है वो ऐसी है कि एक बार हमारी किसी बात पे लड़ाई हो गई थी, देन मुझे मनाने के लिए उसने मुझे बुलाया. हम लोग हमारे एक फ्रेंड के घर गए थे, फिर उधर पे उसने ही ब्रॉट मी अ सरप्राइज केक एंड अ बुके एंड फिर ही सेड कि यू नो आई एम सॉरी. तो मैं आई वॉज लाइक ओके. तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा. तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा. दरगाह पे जैसे हो चादरों सा बिछा. यूं ही रोज ये उधड़ा बुना किस्सा इश्क का कई बार हमने फिर से लिखा. साहेबा साहेबा चलवा चिट्ठियां थी तुझे रो रो के लगा भेजी. मोहर इश्क की है कागज की कश्ती मेरे दिल की थी डुबा बैठी. नहर इश्क की है तुझसे दिल धागा धागा खींचा. दरगाह पे जैसे हो चादरों सा बिछा. उन्हीं रोज ये उधड़ा बुना किस्सा इश्क का कई बार हमने फिर से लिखा. साहेबा 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 चलवा जहां.
जब मैंने पहली बार घर पे बताया तो डैड वाज वेरी कूल अबाउट इट. ही एक्चुअली डैड सॉ पिक ऑफ अस ऑन फेसबुक एंड ही आस्क्ड इतने सुंदर सुंदर दोस्त तुम्हारे कौन है. आफ्टर दैट दैट वाज 2 months बिफोर आई टोल्ड अबाउट देम द रियलिटी. और मैंने टोल्ड उनको एक फोटो वाली थी एंड That was totally cool about it. He knew कि कौन है क्या है. एक चीज उन्होंने बोली थी कि she's a MD है. उसको तुमने क्या देखा? वो एक joking ही था बस. ऑब्वियस मेरी मम्मी तो को बताया तो मम्मी वॉज फाइन कि हाँ ठीक है. मतलब मैंने ऐसे बताया था, मतलब ऐसा था कि फ्रेंड्स हैं, अच्छा है सब कुछ तो सोच सकते हैं क्योंकि मुझे मतलब अच्छा लगता था. तो मम्मी ने मम्मी को लगा ठीक है. फिर पापा को बताया तो पापा वॉज लाइक नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं. फिर उन्हें थोड़ा मनाया मतलब उन्हें बोला, ऐसा मेरा भी नहीं था, मतलब मैंने कोशिश करी उन्हें समझाने की. फिर उन्हें बोला कि ठीक है बात करते हैं. Person, he's very sweet, he's very genuine, and I'm happy कि मुझे वो मिल रहा है as a life partner. हम हमेशा खुश रहेंगे. I wish सब अच्छा अच्छा होगा. मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम.
दो प्रपोजल थे. फर्स्ट टू कन्विंस हर टू गेट मैरिड इटसेल्फ. शी वाज नॉट रेडी टू गेट मैरिड एट ऑल. तो पहला बहुत टास्क यही था कि उसको एक शादी के लिए एक्सेप्टेंस दिलवाना. उसके बाद फिर मुझसे शादी करने की एक्सेप्टेंस दिखा. तो ये इट वाज अ ट्विन प्रपोजल और मैंने ही प्रपोज किया था. आई वोंट से इट वाज अ वेरी सडन, नीदर इट वाज अ प्लान्ड थिंग. इट जस्ट हैपेंड. Long ago, we would walk on the sidewalk, innocent, remember? All we did was care for each other, but the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Blow kiss, fire gun, we would need someone to lean on. Blow kiss, fire gun, all we need is somebody to lean on. Blow kiss, it's not a fairy tale story, but it's simple yet very beautiful. Tu nazm nazm sa mere honton pe thehar ja. मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे. तू इश्क इश्क सा मेरे.